तो दोस्तों, आप अगर यूज़ करते हो इंस्टाग्राम, और भाई इंडिया में काफ़ी लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं और इंडिया के बाहर भी काफ़ी लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप अगर एक इंस्टाग्राम यूज़र हो और आपको इंस्टाग्राम बहुत अच्छा लगता है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी ऐप लेके आया हूँ जो कि आपके इंस्टाग्राम के एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देगी। ये बेसिकली ये ऐप जो है आपका इंस्टाग्राम में काफ़ी अच्छा मतलब हेल्प करने वाली है। कोई किसी की डीपी भी डाउनलोड करनी है तो भाई वो भी डाउनलोड हो जाएगी, और जैसे कि आपको इफेक्ट चाहिए तो भाई वो भी इसमें आराम से आने वाला है। तो कौन सी ये ऐप है उसके बारे में आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोज मैं रोज लेके आ देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस ऐप की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमें इंस्टाग्राम के लिए क्या क्या इसमें हेल्पफुल चीज़ें मिलती हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम जो है ऐप पे आ चुके हैं, और जिस इस ऐप का नाम है टूल किट फॉर इंस्टाग्राम जी बॉक्स। अब देखते हैं इस ऐप में अपन को भाई क्या क्या मिलता है। तो अपन अब जो है ओके पे क्लिक कर देंगे। इस अपन अब ऐप में आ चुके हैं और ऐप खुल गया है। आपको यहाँ पे जो है सबसे पहले साइन इन करना पड़ेगा। ओके, इंस्टाग्राम से आप जो है साइन इन कर सकते हो और फेसबुक से भी आप जो है साइन इन कर सकते हो। आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं साइन इन बाद में कर लूँगा, सबसे पहले मैं आपको फीचर्स कुछ बता देता हूँ इस ऐप में जो कि आपको भाई मिल जाता है। मैं अभी स्किप कर देता हूँ और यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाता है उसके बारे में बात कर देते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको जो है इसका कीबोर्ड मिल जाता है, नए नए कीबोर्ड मिल जाते हैं जहाँ पर यहाँ पर चैट कर पाओगे। न्यू इमोजी, कुछ क्रिएटिविटी यहाँ पे मिल जाती है। तो सबसे पहले आपको जो है एक कीबोर्ड मिल जाता है जो कि आप बड़े आसानी से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है यूट्यूब का कुछ वीडियो मिल जाता है, एक ऐसा कि आपको कीबोर्ड मिलने वाला है तो वो आप देख सकते हो। सबसे पहले हम इसको ऑन कर देते हैं भाई कीबोर्ड को, और यहाँ पे हमने भाई सेट कर दिया है और यहाँ पे हम डन कर देते हैं, ठीक है गाइस। तो अगर अब अपन जाते हैं इंस्टाग्राम पे तो अपने जो कीबोर्ड है वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैं अभी गया इंस्टाग्राम पे, और ये देखो आपको यहाँ पे जो है जी बॉक्स का नया कीबोर्ड मिल जाता है जो कि आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब अपन यार अपने ऐप की तरफ जाते हैं और देखते हैं इसमें अपन को क्या क्या और मिलता है। कुछ ग्लिच इफ़ेक्ट्स भी अपन इसमें देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अपन जाएंगे भाई अपनी ऐप में। ऐप में गए भाई अपन, और यहाँ पे अपन ने फिर से ऐप खोल ली है, और अब हमें क्या क्या मिलता है वो भी अपन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो अपन को सबसे पहले 9 ग्रिड मिलता है, अपन उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपन अपलोड करते हैं पिक्चर और देखते हैं यहाँ पे होता क्या है। वैसे मैंने इसको यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपको इस तरह पे बहुत सारे लोगों की फ़ोटो मिलती होगी जो कि अलग अलग एक पज़ल के टाइप में होती है ना, ऐसे कुछ आपको फ़ोटो मिलती होगी तो वो फ़ोटो आप जो है यहाँ पर भी कर सकते हो। पूरे फ़ोटो में देखो आप अलग अलग पीस को भी जो है अपलोड कर सकते हो जो कि आजकल लोग इंस्टा पे बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अगर आपको वैसी पिक चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो अब अपन अपने ऐप में फिर से भाई चलते हैं, और चलने के बाद हमें कुछ और ऑप्शन मिलते हैं। अपन हैशटैग्स देख लेते हैं कि हैशटैग्स में आपको क्या क्या मिलता है। तो जो भी आप पिक विक डालते हो तो उसके लिए अगर आपको हैशटैग चाहिए तो वो हैशटैग भी आपको यहाँ से बड़ी आसानी से मिल जाएगा। लेकिन आपको जो है उसके लिए होना प्रीमियम होना बहुत ही ज़रूरी है और लॉग इन होना ज़रूरी है। तो देखो ये आ गया अपने हैशटैग, और ये जो है एक प्रीमियम आपका होना चाहिए इसमें जी बॉक्स। तो आप लेना चाहो तो प्रीमियम भी ले सकते हो। और अब अपन यार कहीं और चलते हैं और अपन देखते हैं। अब अपन जो है ग्लिच इफ़ेक्ट देखने वाले हैं कि इसमें ग्लिच इफ़ेक्ट, आप अगर चाहते हो अपनी फ़ोटो में ग्लिच इफ़ेक्ट करना तो वो भी आप जो है कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरे एक इंस्टाग्राम के लिए एक पूरी टूल किट है यार कि आप जो भी इंस्टाग्राम में अपलोड करना चाहते हो तो वो आप इसके हेल्प के ज़रिए कुछ इफ़ेक्ट करके भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी हम कोई से भी अपनी एक पिक ले लेंगे, और उस पिक में अपन जो है ग्लिच इफेक्ट मैं जस्ट आपको करके बताऊंगा। हो सकता है कि मेरे से इतना अच्छा ना हो क्योंकि मैं ज़्यादा ग्लिच इफेक्ट नहीं करता हूँ, लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा ग्लिच इफेक्ट करते हो तो आप काफ़ी अच्छे से कर पाओगे। मैं बस एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे ऐसा जो है ग्लिच इफेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ अपने पिक में। तो ऐसा आप जो है एज अ एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसा ग्लिच इफेक्ट कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। देखो आप आराम से कर सकते हो, और यहाँ पे आपको ग्लिच में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, है ना। तो आप कोई सा भी बड़े ही आराम से लेकर
आप बना सकते हो अपने पिक को बहुत ही शानदार, और आपको जो है नीचे भाई बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अभी तो ये पूरी बिगड़ चुकी है पिक, है ना, तो आप अगर बहुत ही अच्छा करना चाहो तो आप कर सकते हो, एक शानदार पिक यहाँ से बन सकती है। और अब अपन चलते हैं अपने और फीचर के थ्रू, अपन देखते हैं भाई। तो यहाँ पे अपन जो है नो क्रॉप पोस्ट भी देख लेते हैं भाई कि इसमें अगर है क्या क्या। तो यहाँ पे मैंने पिक ली और कोई सी अपलोड कर दूंगा, तो यहाँ मैंने पिक ले ली फ्रेंड, तो यहाँ पे अपलोड कर, तो मैं यहाँ पे जितना चाहूँ तो ब्लर कर सकता हूँ। और यहाँ पीछे देखो मैंने यहाँ पे आपको क्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बड़ी आसानी से बिना क्रॉप किए भी भाई बहुत ही शानदार अपने पिक को बना सकते हो। तो आप ऐसे भी जो है इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सकते हो, है ना फ्रेंड्स। तो अब अपन चलते हैं भाई कि अपन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं डीपी। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, किसी का भी यूज़र नेम सर्च करना है, किसी भी फ्रेंड का। अगर आपको डीपी चाहिए तो आप यूज़र नेम सर्च कर लो, ठीक है। सर्च करने के बाद उसकी जो है प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी। जैसे मैंने अभी अपना इंस्टाग्राम का पेज को सर्च किया है, तो मैंने यहाँ पे जैसे सर्च कर लिया, तो यहाँ पे मेरी पिक आ गई। यहाँ पे डाउनलोड का भी ऑप्शन आ रहा है, तो मैं उससे डाउनलोड कर लूँगा। और यहाँ पे आपको वीडियो स्प्लिटर भी मिल जाता है यार। इससे क्या होता है, इससे कोई भी आपको वीडियो एक शॉर्ट में चाहिए तो आप जो है यहाँ से भी कर सकते हो बड़ी ही आसानी से। तो यहाँ पे एक एनिमेशन का भी किया, आप एनिमेशन कैसे कर सकते हो तो वो मैं आपको बताऊँगा अपने अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस भाई इस ऐप का इतना ही मेरे को रिव्यू देना था आप सभी को दोस्तों। तो दोस्तों ये थी यार ऐप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं रोज लेके आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।